हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू GCM ग्लोबल कॉन्सेप्ट मेकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है द्वीप। तो सबसे पहले हम जानते हैं द्वीप किसको बोलते हैं। तो द्वीप बोलते हैं हम स्थल का वो भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो नीला समंदर आपका पूरा जो दिख रहा है, ये नीला पूरा समंदर जो दिख रहा है, ये जल का भाग है। और जो ये पीला दिख रहा है, ये पीला रंग का जो दिख रहा है आपको, ये सब ये आपका स्थल का भाग है। तो ये स्थल के भाग जो है वो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, चारों ओर जल से घिरा छेद घिरा हुआ है, इसलिए इस स्थल भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और ये जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको हम स्पेशल अलग से पढ़ेंगे। तो द्वीप हम किसको बोलते हैं, तो स्थल का वो भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपके सामने महाद्वीप। महाद्वीप किसको बोलते हैं, तो महाद्वीप भी वैसा ही है, कुछ द्वीप जैसा ही है। बोला जाता है स्थल का वो भाग, वो बड़ा भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाले जो भाग है, स्थल का भाग है जो बहुत ही बड़ा है, तो इस भाग को हम लोग महाद्वीप बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाली जो स्थल भाग है, इसके चारों तरफ जल है, लेकिन ये स्थल का भाग बहुत बड़ा होने के कारण इसको हम लोग नाम देते हैं महाद्वीप। ऐसे पृथ्वी पर टोटल जो है वो 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे ये देखोगे, ये वाली महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। ये वाली जो महाद्वीप आप देख पा रहे हैं, ये वाली ये है यूरोप महाद्वीप, ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा हुआ, ये वाली जो महाद्वीप है ये तीसरा, उत्तरी अमेरिका, ये वाली जो है वो चौथी, वो दक्षिण अमेरिका, यहीं पे एक द्वीप पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, और एक यहाँ पे द्वीप पड़ता है अंटार्कटिका। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, और ये नीचे में हुआ 7। एशिया महाद्वीप पहला हुआ, यूरोप दूसरा, उत्तरी अमेरिका तीसरा, दक्षिण अमेरिका चौथा, अफ्रीका महाद्वीप 5वां, छठा इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ती है, और यहाँ पे है अंटार्कटिका, ये सफ़ेद रंग का, ये 7वां महाद्वीप हुआ, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है वो एशिया होती है, सबसे छोटा महाद्वीप जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया होती है। जब महाद्वीप का कुछ महाद्वीप जो है वो पहले पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करते थे। अब एक महाद्वीप हुआ करते थे, तो वो महाद्वीप कौन है भाई, वो महाद्वीप आपके सामने देखिए, पृथ्वी पर पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, देखिए ये जो नीला कलर समंदर आपको दिख रहा है, ये है महासागर। और पृथ्वी पर प्राचीन समय में एक ही महासागर हुआ करता था, जैसे यहाँ पे देखिए बता रहा है कि 335 मिलियन ईयर एगो, 335 मिलियन वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही महाद्वीप हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंजिया। और उस समय पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही महासागर हुआ करता था, जिसका नाम था पेंथालासा। तो ऐसा पेंजिया महाद्वीप में क्या हुआ कि ये टूटकर 7 महाद्वीप बन गए। तो पेंजिया महाद्वीप के जो पेंजिया महाद्वीप का सबसे पहले दो टुकड़ा हुआ, जिसमें देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये वाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड या लारेशिया। एक टुकड़ा ये है जिसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अब ये दो टुकड़ा पेंथालासा से, ये पेंजिया महाद्वीप के टूटने से ये दो महाद्वीप अंगारा और गोंडवाना लैंड क्यों बना, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में इसी के बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जैसे ये है लॉरिशिया, ये वाली जो महाद्वीप है ये लॉरिशिया है, और ये है गोंडवाना। तो सबसे पहले जब पेंजिया महाद्वीप टूटा, तो पृथ्वी पर दो महाद्वीप बना, जिसमें एक लॉरेशिया है, दूसरा गोंडवाना।
और महाद्वीप के टूटने से जब ये भूमि का भाग उधर की ओर उत्तर की ओर और ये भूमि का भाग दक्षिण की ओर जब खिसका तो बीच में पेंथालासा महासागर का जो है ना जल इसके अंदर प्रवेश करने लगा। जब स्थल का भाग अलग होगा तो बीच में यहाँ पे जगह बनना तो यहाँ पे जल का भाग जो है वो आकर के जमा हो गया, जिसको हम लोग जहाँ से पे एक सागर का निर्माण हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं टैथिस सागर। तो पृथ्वी पर बनने वाला सबसे पहला जो सागर है वो है टैथिस सागर। वर्तमान में इस टैथिस सागर पर हिमालय खड़ा है। अब ये सागर क्या है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे पृथ्वी पर बनने वाला सबसे पहला सागर है टैथिस सागर, जो पेंजिया का लॉरिशिया और गोंडवाना लैंड में टूटने के कारण बना था। आगे देखिए यहाँ पे इसी में, अच्छा आगे सागर के बारे में दिया है, सागर किसको बोलते हैं? तो सागर बोलते हैं जल का वो छोटा सा भाग जो अगल बगल के स्थल का भाग से क्या हो, छोटा हो। यानी जल का वो भाग जो अगल बगल के स्थल से छोटा हो उसको हम लोग बोलते हैं सागर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अरब सागर है ये वाली, तो अरब सागर जो वो बगल में देखिए भारत है इससे छोटा ही है, बगल में अफ्रीका महाद्वीप है इससे छोटा ही है। तो जल का वो भाग जो अगल बगल के स्थल से छोटा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सागर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये भूमध्य सागर, काला सागर, ये सब जो है वो अगल बगल के स्थल का भाग से छोटा है इसलिए हम इसको बोलते हैं सागर। अब महासागर किसको बोलते हैं? तो महासागर बोलते हैं कि जल का वो भाग जो अगल बगल के स्थल के भाग से बड़ा हो। ध्यान रखेंगे जल का भाग अगल बगल के स्थल से छोटा रहेगा तो वो सागर कहलाएगा, पर जल का वो भाग जो अगल बगल के स्थल के भाग से बड़ा रहेगा वो महासागर कहलाएगा। जैसे ये है अटलांटिक महासागर, ये तो अटलांटिक महासागर देखिए ये है अगल बगल के इधर का भाग जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे बड़ा है, यूरोप जो है उससे बड़ा है, बगल में इधर उत्तरी अमेरिका इधर दक्षिण अमेरिका है, तो इन सभी से ये बड़ा है। तो नीचे में यहाँ पे देखिए इधर इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, तो इंडियन ओशियन जो है वो बगल में अफ्रीका महाद्वीप इससे बड़ा है, इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है राइट साइड में इससे बड़ा होता है। तो जल का वो भाग जो अगल बगल के स्थल के भाग से बड़ा होता है तो हम उसको महासागर बोलते हैं। और पृथ्वी पर 5 महासागर, इसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे गहरा खाई प्रशांत महासागर में ही है जिसको हम मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बोलते हैं गल्फ जिसको हम लोग खाड़ी बोलते हैं। तो खाड़ी किसको बोला जाता है? तो जल का वो भाग जो तीन ओर स्थल से घिरा होगा, जैसे आप यहाँ पे ये वाले दिख रहे पा रहे होंगे, ये वाली जो भाग है ये जो जल की भाग है, ये वाली जल की भाग इधर से भी स्थल से घिरा हुआ है, इधर से भी स्थल से घिरा और इस साइड से भी स्थल से घिरा है। तो जल का भाग तीन ओर स्थल से घिरा रहता है उसको हम लोग खाड़ी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये वाले जल की जो राशि है, जल का जो भाग है, इधर से भी स्थल से है, ऊपर से भी स्थल से और इस साइड से भी स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इस जल राशि को बोलता है बंगाल की खाड़ी। अब जैसे यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये वाली छोटा सा जो गुजरात में यहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे गुजरात में अंदर प्रवेश कर जाता है तो इधर से भी स्थल से घिरा होता है, ऊपर से भी और इधर से भी, इसलिए इस वाली खाड़ी को हम लोग बोलते हैं खंभात की खाड़ी। आप खंभात की खाड़ी से थोड़ा ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस जगह पे यहाँ भी जो जल का भाग जो है वो तीन ओर स्थल से घिरा रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कक्ष की खाड़ी। तो खाड़ी का मतलब जल का भाग तीन ओर यदि स्थल से घिरा हुआ रहेगा तो उसको हम खाड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, अगला है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? तो जस खाड़ी का विपरीत थोड़ा सा उल्टा होता है। प्रायद्वीप में क्या होता है कि स्थल का भाग ही तीन ओर जल से घिरा होता है। तो जैसे ये वाली जो आप देख रहे हैं भारत, ये वाली जो भारत आप देख रहे हैं दक्षिण भारत, इधर से अरब सागर से घिरा हुआ है, नीचे से हिंद महासागर से है और इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो ये वाली जो स्थल का भाग है ये तीन ओर भाई